राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दृष्टि चुनौतियां और समाधान की पहल के नाम से रीवा के शिक्षक द्वय शिवानंद तिवारी एवं डॉक्टर रंजना मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के कर कमलों द्वारा शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा के सभागार में सम्पन्न हुआ। समारोह के विशिष्ट अतिथि एस के त्रिपाठी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा डॉक्टर आर्यन पटेल, प्राचार्य शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा गंगा प्रसाद उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा डॉक्टर पीएल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी तथा जनपद अध्यक्ष गगेओ रहे। कार्यक्रम में शहर के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख, मीडिया कर्मी, शिक्षक एवं समाज के सुविज्ञ लोग शामिल हुए। ज्ञात हो कि शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के सौजन्य से प्रथम चरण में दोपहर 3 बजे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। तदुपरांत शाम 4 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक विमर्श पर आधारित पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक शिवानंद तिवारी शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राइज रीवा में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जिनकी अकादमिक एवं सह अकादमिक गतिविधियों में हमेशा ही सक्रिय सहभागिता रही है एवं आपने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में कई तरह के मॉड्यूल एवं ब्रिज कोर्स जैसी पुस्तकों के साथ साथ शाला दर्पण के मॉड्यूल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री तिवारी कई वर्षों से लगातार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में राज्य स्रोत समूह के सदस्य के रूप में राज्य स्तर पर सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। आपको वर्ष 2022 में शिक्षाविद गीजू भाई शिक्षक सम्मान से भी नवाजा गया है। पुस्तक की दूसरी लेखिका डॉक्टर रंजना मिश्रा शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में राजनीति विज्ञान की उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। आपने मतदान व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य संपन्न किया है एवं सदैव से लेखन व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से सहभागी रही हैं। लेखक द्वय द्वारा बताया गया कि यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कूल शिक्षा पर आधारित अंश को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में रेखांकित किया गया है एवं नीति के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को पहचान कर समाधान की दिशा में अपेक्षित पहल पर तार्किक व व्यवहारिक विमर्श किया गया है। निश्चित ही यह पुस्तक सभी शिक्षकों, विभाग के अधिकारियों, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के लोगों एवं प्रबुद्ध वर्ग को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके जरिए से राष्ट्र के भविष्य निर्माण की दिशा में सरकार का दृष्टिकोण कैसा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम स्वयं को कितना तैयार पाते हैं, यह सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझकर ही पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्पष्ट समझ बनाकर ही हम इसके क्रियान्वयन को सफल कर सकते हैं और इसके क्रियान्वयन की सर्वाधिक जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की है। आयोजकों ने विमोचन कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों का स्वागत अभिनंदन किया। डॉक्टर रंजना मिश्रा और श्री शिवानंद तिवारी जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंजर सिंह, सभी हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए बड़े गौरवशाली आह्लादाई क्षण लिए। ये गौरवशाली क्षण हमारे उमंग और उत्साह को बढ़ाने वाले क्षण, जिसमें हमारे इन रचना धर्मियों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक आशीर्वाद मिलेगा आपके कर कमलों से। आज इन्हें जो अंबर भर स्नेह बरसा है उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूं और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर शिक्षा विद्या में पाठ्य शिक्षा है विषय के आधार पर प्राप्त होने वाला जो हमारे सामने आता है उससे ज्ञान मिलना। अब विद्या का मतलब होता है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार का, हमारी परंपरा का, हमारे संस्कृत का ज्ञान हो, वो विद्या माध्यम जिसके माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और यही चूक आखिरकार वो कौन सी वजह थी कि एक समय में हम विश्वगुरु हुआ करते, तो कोई विश्वगुरु इसलिए थोड़ी थे कि हमारे धरती ज्यादा थी, हमारे पास पर्वत ज्यादा थे, हमारे पास पहाड़ ज्यादा थे, इस कारण नहीं थे विश्वगुरु। इसलिए थे कि हमारे तब हमारे दर्शन ने पूरे विश्व को हमारी तरफ आकर्षित किया, एक दिशा हमने दी। फिर गड़बड़ कहां से होगा, ये तो आप ही सब पढ़ाते हैं ना। हमारे इसी भारत के भीतर करीब 6 से 6.5 लाख गुरु आश्रम या गुरु घर हुआ करते थे,
जहां लोग जाकर के गुरुओं के आश्रय में रहकर के अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई भगवान राम के पिता महाराज थे, दशरथ थे, कोई शिक्षकों की कमी हो सकती थी क्या उनको? चाहते तो हजार दो हजार शिक्षक लगा लेते, हर कमरे में हर पद में खड़ा रहता है शिक्षक, पर नहीं। कहां गए वो, कहां गए? शिक्षा के लिए गुरु आश्रम भेजा और उसका उद्देश्य केवल यही था कि ज्ञान प्राप्त करना है और उससे निकल करके आए तो बने क्या हूं? एक त्यागी, तपस्वी, अपने दिए गए वचन को प्राण देने वाला, ये ज्ञान प्राप्त करके आए हो, जिसने दुनिया में अमृत प्रदान किया। मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा शासकीय हाई स्कूल समान में उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। मेरा इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो मेन वजह थी, जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पढ़ा जो लगभग 180 पेज का था, उसको पढ़ने में बार बार पढ़ने में हमें जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसमें शिक्षा हमारी जो स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा दोनों को जोड़ा गया था और बहुत विस्तार रूप से उसमें सारी बातों की चर्चा की गई है। और क्योंकि हमें मेन बिंदुओं को समझना है और सरल तरीके से कैसे हम सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारे लिए योजनाएं हैं, जो हमें लागू करना है, जो हमें विद्यालय में कार्यान्वित करना है, उसको समझने में हमें बार बार जब कठिनाई हुई तो हमने ये प्रयास किया कि हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सरल करना चाहिए। और इस क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, दोनों ही हम जो साथी लेखक हैं शिक्षक हैं, और ज़मीनी तौर पर इस क्रिया उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो कठिनाइयां आएंगी उससे पूरी तरह से परिचित हैं, इसलिए हमने प्रयास किया है कि उसको सरलीकरण करते हुए उसके कार्यान्वयन में जो कठिनाइयां आएंगी उनको चिन्हित करते हुए कार्यान्वयन के सुझाव को प्रस्तुत किया है। और हमारा प्रयास है कि हमारे सभी शिक्षक साथी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस पुस्तक के माध्यम से सरल तरीके से समझ सकेंगे और कार्यान्वयन में अपना सहयोग दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सहयोगी लेखिका हैं डॉक्टर रंजना मिश्रा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दृष्टि, चुनौतियां और समाधान की पहल जो हम लोगों ने लिखी है, आज उसका विमोचन माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी के द्वारा और सभी विभाग के, संभाग के और ज़िले के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में आज विमोचन हुआ है। और यह पुस्तक में हमने स्कूल शिक्षा से संबंधित जो विषयांश थे उनका सारांशीकरण किया है और शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हमने चिन्हित किया है और उसके समाधान का एक पहल हमने शुरू की है। मुझे आशा है कि बतौर ख़ास इस पुस्तक को शिक्षक पढ़ेंगे तो उनके बहुत काम का है, इसको मीडिया के लोग भी इसको पढ़ें और अन्य पेशे से जुड़े हुए लोग भी पढ़ें, क्योंकि पालकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी ये पुस्तक और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और प्रशासन के लोग भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय विशेष क्या चीज़ है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूल शिक्षा विभाग का जो मुख्य हिस्सा है उसको मुख्य हिस्सों को एकत्रित किया गया है, जो फैलाव था उसका, जो विस्तृत बहुत ज़्यादा बातें थी जो बार बार कही गई तो उनको छोड़ करके सारांशीकरण कर लिया गया है। महत्वपूर्ण बात, लगभग हम इसको एक साल से लिख रहे थे, छोटे छोटे पहले इस पुस्तक को हमने लिखा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लगभग ये 130 पेज की हो रही थी। इसमें खासतौर पर मैडम आपके सामने ही हैं डॉक्टर रंजना मिश्रा जी जो सहलेखिका हैं इस पुस्तक की, और साथ ही इसमें डॉक्टर रामाविलास मिश्रा जी, और उन्होंने विचार दिया इसमें, और ख़ास तौर पर इस पुस्तक का जो भूमिका लिखी है श्री एल एस बघेल जी जो पूर्व आयुक्त लोक शिक्षण हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वर्तमान में वो यूनिसेफ के साथ मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग का काम देखते हैं, तो उनकी मुख्य भूमिका, और साथ ही श्री हर्षित मिश्रा जी का इसमें बहुत सहयोग रहा, उन्होंने समय समय पर हमारी मदद की और इस आयोजन को कराने में उन्होंने बड़ी मदद की, तो और आप सब ने बड़ी मदद की, आप सब की भूमिका है इसमें,